मुझे ना एक जुबान आती है, वो तमिल जो होती है ना, उसका जो डायलॉग है आता माजी सटकली, ये मुझे आता है। वो तमिल नहीं मराठी है। एक और जगह भी मैं गलत हो गई, वो तमिल नहीं मराठी है। अच्छा, अगर हम काउंट करने पे आए तो आपको सात जुबानें कौन कौन सी आती हैं? मुझे उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, कोरियन, जापानीज, तमिल और स्पेनिश थोड़ी थोड़ी आती है। कुरवाले के लिए, कुरवाले के लिए, कुकुर कुर कुर कुवि कुर के कुन्ने मरते यो लाड़ी कुंडा मुड़ी की कुटुवेले किने मारे निन्नक कुवि कुर के कुटुवेले किने। उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, मारो, कूटो कूटो कूटो, रच के कूटो, ऊपर कूटो, नीचे कूटो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अन्योंगासेयो, इक्राबिदमिदा। सॉरी, मुझे भूल गई थी। मुझे आजकल क्या हो गया ना कि मेरी बहुत सारी ज़ुबानें दिमाग में चल रही हैं, मुझे अब काफ़ी ज़ुबानें आ गई हुई हैं, काफ़ी मैंने सफ़र किया है ना दूसरे ममालिक में। अब मैं आपको जापानी में इंट्रो करके दिखाऊंगी। कोनिचिवा, इक्राबिद, अन्योंगासेयो, इक्राबिदमिदा। मुझे काफ़ी ज़ुबानें आ चुकी हुई हैं और आज मैं आप लोगों को बता के दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ज़ुबान मुझे आती है। तो आप लोगों को बताना है कि आपकी फेवरेट कौन सी है। ये हुई थी कोरियन और अब हम करेंगे जापानी में। कोनिचिवा, इक्राबिद। समझ आई? कोनिचिवा, इक्राबिद। अच्छा, इसके अलावा हम फिर इंग्लिश में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो, दिस इज इक्राबिद फ्रॉम MYK न्यूज। मुझे पता है तुम लोगों को समझ नहीं आनी, तो मैं खुद ही बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारी अपनी इक्राबिद, तो तुम देख रहे हो MYK न्यूज TV। अच्छा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज TV के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। अब आप लोग आए ना लाइन पे, अब आप लोगों को समझ आएगी कि हाँ हमारी पुरानी इकरा आ गई है। मेरे साथ मौजूद है 17 साल की माहीन अलमास। इन सात जुबानें आती हैं और सात जुबानों में ये गाने गाती हैं, मतलब इंतहा है। मुझे समझ नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है वो भी थोड़ी सी, और इनको सात जुबानों में गाने आते हैं और सात जुबानें भी आती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और इंग्लिश में ना आगे आगे और बातें कौन कौन सी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक, तुझे सुनाओ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं बस जानना चाह रही थी कि पंजाबी जुबान भी आती है कि नहीं आती, जो हमारी मादरी जुबान होती है। आती है, आती है। पास हो गई? बिल्कुल आती है। हाँ, सात जुबानें सीखने का क्या चक्कर है? मतलब सात मुल्कों में जाना है इसलिए सीख रहे हैं या क्या मसला है? मसला क्या है? उर्दू अच्छी नहीं आती है, इंग्लिश ठीक नहीं है, हमारी पंजाबी को कोई मसला है, उसकी टेंशन टूटी हुई है। और मुझे लैंग्वेज अलग अलग सीखने का बहुत शौक है, तो मैंने इसलिए अलग अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज सीखी है। ये क्या होता है? क्यों म्याऊं? ये क्या मतलब है? ये आप लोगों ने अपने पास से बनाया होगा। ये कैसा कोई वर्ड है? मुझे ना एक जुबान आती है, वो तमिल जो होती है ना, उसका जो डायलॉग है आता माजी सटकली, ये मुझे आता है। वो तमिल नहीं मराठी है। एक और जगह भी मैं गलत हो गई, वो तमिल नहीं मराठी है। अच्छा, अगर हम काउंट करने पे आए तो आपको सात जुबानें कौन कौन सी आती हैं? मुझे उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, कोरियन, जापानीज, तमिल और स्पेनिश थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है। अगर मैं कहूँ कि कोरियन में मेरी मुझे बोलें कि आई लव यू, सारंगे, मी टू। इसमें कोई सॉन्ग सुनाए हमें कोरियन जुबान में ना। हाँ, kicking the door, waving the coco, popcorn ko chinga ke dil single mil gao, I talk the talk, runway is a walk walk, nam gan ga pop pop, I'll be the top, I want then to buy to, ni sun kit to khane de mona jinju, gaja shoshigan hot IG, makes no sense, you couldn't get a dollar out of me. Yes, very good. Ye theek tha, acha tha. Isme kya keh rahe the? Isme ek ladki अपने जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसका, और वो लड़के को बोल रही है, गालियाँ दे रही है, मतलब। कोरियन मुझे बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हम सीधा कोरियन से आते हैं पंजाबी पे। मुझे पहले पंजाबी में थोड़ी सी बात करके दिखाएं, बोलें कि रांझिया, रानी नहीं बोलो, रांझिया जो तू किसी और बार वेख्या तो मैं तेरिया लत्तां बन देंगी। रांझिया देखे वो रांझा जब आपकी तरफ देख रही थी। रांझिया जे तू किसी और बल वेख्या ते मैं तेरी लत्ता पन देंगी, लत्ता पन देंगी। ओह माय गॉड, पन देंगी लत्ता। रांझा नहीं है, मेरा कैमरा है, बेचारा टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो, पंजाबी में कोई सॉन्ग सुना दो।
एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींद ने मारिया शीशे नू तड़ेड़ पै गई वाल बोंदी ते अन जदों मारिया एक मेरी अख काशनी काशनी ये मुझे भी आता था वैसे मतलब क्या एक्सेंट इसने चेंज किया है ना डायरेक्ट कोरियन से पंजाबी आ गई सीखी है पंजाबी भी या पंजाबी वैसे ही आती है पापा बोलते हैं तो फिर उनको बोल बोल के मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें वो मैंने जुबान थोड़ी सी सीखी थी जिसमें दीपिका कह रही थी तंगा वाली कितना कितने पढ़ा सी तेरी पैनो अम्मी नु सलाम वो क्या था वो ऐसे नहीं तो था तंग बली कितने पराते नाचो काओली बैंड इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो उसमें एक जो वो थी दीपिका का रोल था आपने देखा होगा उसमें उसके अंदर कोई रू आ गई थी आई भी होती है तो वो जो रू बोल रही होती है उसको अपने आशिक को कि तुम कहाँ जा रहे हो यहीं पे रहो मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो अच्छा तमिल में अगर हम कहेंगे मुझे कोई जबरदस्त सा गाना सुना दें तो सुना देंगे हाँ बिल्कुल सुना कान खोल के सुनना है कुरवाले के लिए कुरवाले के लिए कुकुर कुर कुर कुवि कुर की कुन्ने मरते यो लाड़ी कुंडा मुड़ी की कुटुवेले किने मारे निन्ना कुवि कुर की कुटुवेले किने कुकुर कुर कुर कुवि कुर की कुन्ने मरते यो लाड़ी कुंडा मुड़ी की कुटुवेले किने मारे निन्ना कुवि कुर की कुटुवेले किने उसको पकड़ो इसको पकड़ो मारो कूटो 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 रच के कूटो ऊपर कूटो नीचे कूटो मुझे सिर्फ ये समझ आ रही थी कि बस कूटो 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 किसको कूटो किसको कूटो नहीं वो जो लड़की होती है उसकी शादी हो रही होती है किसी से तो वो अपने आशिक को बुला रही होती है कि तुम आओ ऐसे आशिक को वो बुला रही है तो आशिक 100 मील दूर भागेगा आशिक ने नहीं आना मतलब इनकी जुबानें चेक करो वैसे अच्छा हम बात करें अगर जापानीज की जिनके नाक ऐसे करके होते हैं सही जूम करना ऐसे करके तो उनके बारे उनकी जुबान आती है आप आती है बट उनके नाक ऐसे नहीं होते ऐसे होते हैं मैंने तो ऐसे ही देखे हैं जब भी उनके नाक ऐसे करके नहीं ऐसे नहीं होते वो पता नहीं किसने बोला है बट ऐसे नहीं होते मैंने गूगल खराब वो तो बहुत प्यारे प्यारे जुबान में कुछ बताएं सॉन्ग सुना दे डायरेक्टर सॉन्ग वाताशी न साई गो आना था गई आना था तो कुनु मामा उसारा बसीरो युरुशीन नो गई वा शीन नो गई वा खत्म हो गया काफी नहीं था अच्छा मुझे लगा अभी आगे चलना है उसने अब इसने क्या लड़की आशिक को कह रही थी इस लड़की ने इसमें लड़का बोल रहा है कि अगर तुम मेरी लाइफ में ना आई तो मैं मर जाऊंगा लता पांडे नहीं नहीं मतलब कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना तुम मुझे अपनी लाइफ में चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं अगर हम बात करें आप इंग्लिश में आते हैं थोड़ी सी इंग्लिश कम्स टू मी वेरी वेल यू से भी ज्यादा वेल आई नो इंग्लिश You know English very well? Yes. समझ गई बेचारी समझ गई प्यारी प्यारी समझ गई हमारा पाकिस्तानी एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि वे मौलिया इन्होंने दस मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक है ये आता है आपको इंग्लिश में आप भी तो बोल रहे हैं आपको इंग्लिश आती है आप बताएं ना इंग्लिश आती है वे मौलिया आस्क एवरीवन दैट आई एम योर परमानेंट गर्लफ्रेंड गलत है ये ठीक है परमानेंट पक्की पक्की गर्लफ्रेंड मशहूर गर्लफ्रेंड ही होती है नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा मौलिया यू हैव टू टेल एवरीवन दैट आई एम योर परमानेंट गर्लफ्रेंड माय गॉड ये वो मौलिया वाली रूह भी इनमें आ गई थी अच्छा अगर हम मैं कहूँ कि इंग्लिश में कोई सॉन्ग सुना दे मज़े वाला ज़बरदस्त जो मुझे समझ भी आ जाए यार कुछ तो मेरे पर रैम करते ओके Careful when he comes from away. My body already know how to play. I wake you keep it tight every day, and I know you need a taste when I ooh falling in love. Get a little ooh ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make your girl wanna run. We keep moving till the sun's come up. Proclaim the party, yes, Sofia, stop blow what you can do to have a siesta. And they can try, but no one can stop me. What my taki taki wants, him my taki taki gets. ये मुझे समझ आया ताकि ताकि ये मैंने सुना है ताकि ताकि कौन सी लैंग्वेज आएगी अब हमारी आप खुद ही बता दो मुझे हो गया ना ये लास्ट में स्पेनिश और इंग्लिश का मैशअप था मिक्स हो गया मिक्स था अच्छा मिक्स था मुझे समझ ही क्यों नहीं आया मुझे पता ही नहीं है इंग्लिश और स्पेनिश में क्या डिफरेंस है वो मिक्स था ना स्पेनिश इंग्लिश का यू नो वो मिक्स था मिक्सचर था मिक्स नहीं था मिक्सचर था मुझे बताओ कर क्या रहे हो लाइफ में आगे कहाँ जाना है आगे मुझे बहुत म्यूज़िक में कामयाबी चाहिए
और मुझे अपनी कंट्री को, पाकिस्तान को अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट करना है सिंगिंग में, तो मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा काम है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी सिंगर्स की, तो आपका फेवरेट तरीन कौन है? आप मैडम आपका फेवरेट। तो अगर मैं कोई पाकिस्तानी को ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग सुना दें, यार दिवड़े आई टप टप गलियां, लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा की तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, और मैं कोई एक की तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं बस इसी की तारीफ़ करूँगी, OST जो आपने गाई, क्योंकि मुझे समझ यही आया है। बाकी अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सारी तारीफ़ करनी है, और ये पाकिस्तान का टैलेंट है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।